हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है अरबी के पत्तों के पकोड़े बनाना। तो स्टार्ट करते हैं अरबी के पत्तों के पकोड़े बनाना। अरबी के पत्तों के पकोड़े बनाने के लिए हमने ये एक बाउल बेसन लिया है। ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। ये हमारे सूखे मसाले हैं, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। ये हमने थोड़ा सा अजवाइन और जीरा लिया है। अरबी के पत्ते हैं, ये हमने वॉश कर लिए हैं। अब हम अपने अरबी के पत्तों को इस प्रकार से फोल्ड करके इसकी जो ये मोटी सी डंडी है इसको हम निकाल देंगे। इसी प्रकार से हम अपने सारे पत्तों की ये मोटी वाली डंडी निकाल देंगे। डंडियां निकल चुकी हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम ये बेसन डालेंगे। अब इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें ये अजवाइन और जीरा डालेंगे, ये अपने हल्दी मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे। और पानी डालेंगे इसमें हम। ये हमारा घोल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम पानी रख देंगे और इस पानी को उबलने देंगे हम। हमने ये पत्ता फैला लिया है और इस पे अब हम ये अपना पेस्ट लगाएंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार हम अपने सभी पत्तों पे ये मटेरियल लगा लेंगे। ऐसे हम अपने सारे पत्ते पे अच्छे से फैला देंगे इसको, बेसन को। अब हम इस पे अपना दूसरा पत्ता ऐसे करके रखेंगे और इस पे भी हम बेसन का मटेरियल लगा देंगे। इस पे ये वाला पत्ता भी रख देंगे और इस पे भी अपना मटेरियल लगा लेंगे। ये हमारा सारे अरबी के पत्तों पे मटेरियल लग चुका है। अब हम इसको रोल करेंगे। पहले थोड़ा सा इस साइड से मोड़ेंगे और फिर हम ये इस साइड से इस प्रकार से मोड़ेंगे, और जो हमारे पास थोड़ा सा मटेरियल बचा हुआ है वो हम इसके ऊपर इस प्रकार से लगा देंगे। को फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। फोल्ड हो चुका है, अब हम इसमें ये टूथपिक लगा देंगे इस प्रकार से, जिससे कि हमारा ये रोल खुले नहीं। ये हमारा पानी उबल चुका है, अब हम इसमें एक ये स्टैंड रख देंगे और ये हम इसमें भाप में पकने देंगे। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही भाप में पकने के लिए छोड़ देंगे।
और इस पे हम एक प्लेट ढक दी है। आइए अब हम अपने अरबी के पत्ते चेक करते हैं। ये हमारा हो चुका है भाप में, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अच्छे से पक चुका है, अब हम इसकी ये टूथपिक निकाल लेंगे। जब तक हमारा ये थोड़ा सा ठंडा होता है तब तक हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख देते हैं। ये हमने एक कढ़ाई गैस पे रख ली है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। जब तक हमारा ऑयल गरम होता है तब तक हम ये अरबी के पकोड़े के टाइप में काट लेंगे। अब हम इसे इस प्रकार से, ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, इसी प्रकार से हम इसकी सारी कटिंग कर लेंगे। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, आप चाहे इनकी सब्जी भी बना सकते हैं। ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये फ्राई कर लेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। हम इसमें और डाल देंगे फ्राई होने के लिए। इसी प्रकार से हम अपने सारे अरबी के पत्तों के पकौड़े तैयार कर लेंगे। ये हमारे सारे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको भी निकाल लेंगे। ये अरबी के पत्तों के पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं, आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।